नमस्कार, स्वागत है आप सबका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं नीतू सिंह एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने लेकर विश्व विख्यात व्यक्तित्व। जी हाँ, हम पहले भी इनके गुणों से अवगत करा चुके हैं आप सबको। तो चलिए बात शुरू करते हैं एक ऐसे छोटी सी उम्र में बड़ा कीर्तिमान हासिल करने वाले एक महान व्यक्तित्व की, जो माउंट स्टोक काकड़ी पर भारतीय तिरंगा फहराकर वापस आए हैं, जिनके गृह जनपद वाराणसी में प्रथम आगमन पर पर्वतरोही मनोज का भव्य स्वागत किया गया। आइए देखते हैं वाराणसी से संजय सिंह की एक खास रिपोर्ट, जिनका कैंट से लेकर चांदपुर रामलीला मैदान में हुआ सम्मान समारोह, जिसमें जुटे कई दलों संगठनों के लोगों ने जमकर ढोल नगाड़ों फूल मालाओं से वाराणसी में उनका स्वागत किया। वाराणसी चांदपुर निवासी पर्वतरोही मनोज यादव द्वारा समुद्र तल से 20,000 फुट ऊंची माउंट स्टोक काकड़ी पर भारतीय ध्वज तिरंगा फहराने के बाद उनसे फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने वार्ता किया। आइए देखते हैं उनसे बातचीत के कुछ खास अंश। मैं काशी कलाल मनोज यादव अभी हाल ही में 20,800 फीट ऊंची चोटी माउंट स्टोक को फतेह करके आया। फतेह करने के बाद जो गर्व महसूस होता है वो मैं अपने अपने आप से बयान नहीं कर सकता। कितने दिन लगा टोटल? इस टोटल फतेह करने में हमें 8 दिन लगा। इस पहाड़ का नाम माउंट स्टोक कांगड़ी है और इसकी हाइट 20,800 फीट है। पता करने के लिए 12 लोगों की टीम निकली थी। खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी की वजह से 3 लोग ही पहुंच पाए। कितना समय लगा आपको? हम रात को रात्रि को 9:30 बजे निकले और सुबह के 6:30 बजे पहाड़ की चोटी थी। यूपी से मैं पहला फतह किया। आए 2 लोग थे लेकिन फतह मैंने पहला किया। मैं पहले इस कामयाबी के पीछे सबसे पहले सर्वप्रथम वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जिले के डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट श्री सुरेंद्र सिंह सर, अमर उजाला फाउंडेशन और श्री काशी विश्वनाथ इंडस्ट्रीज को बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। मनोज कुमार यादव के हम पिताजी हैं, अखिलेश यादव। चांदपुर ग्राम सभा के हम निवासी हैं। ये आज अपने हमारे लड़का फतेह करके आया है। एशिया के सबसे बड़े एशिया के लेवल का कोई पहाड़ है, उसी पहाड़ पे कांगड़ी पहाड़ पे चढ़ के आया हमारा लड़का। उसको हम लोगों को बहुत खुशी है और गांव वालों को भी बहुत खुशी है। हम यही चाहेंगे कि हर लोगों के बच्चे जो है कि इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आप लोग कितने लोग आए? हम लोग कम से कम 100-150 लोग चांदपुर ग्राम सभा से और बाकी और लोगों से बनारस से जो भी सुना है, जिसको मतलब लगन थी, वो लोग सभी लोग आए हैं। कम से कम 100-150 लोग हैं। इसके बाद चांदपुर चौराहे पर रामलीला मैदान में है और बच्चे के गुरुजी भी आए हैं। हम सोचेंगे कि गुरुजी भी थोड़ा कुछ बताएं बच्चे के बारे में। लड़के को यही संदेश देना चाहेंगे कि आगे बढ़ें। हम एवरेस्ट जो है कि जो सबसे ऑल वर्ल्ड में सबसे ऊंचा एवरेस्ट है माउंट एवरेस्ट, उसको फतेह करके हमें यही चाहेंगे। अब कुमार कनौजिया NIS फुटबॉल कोच, मैं DLW में कार्यरत हूँ और मनोज बचपन से ही मेरे साथ रहा है, फुटबॉल से ही उसने आज इस मुकाम पर किया है। मैं इनके फादर, इनको इस छोटी सी दुकान से जो इन्होंने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कांगड़ी पर्वत के ऊपर चढ़ करके और देश का जो नाम रोशन किया है पूरे एशिया ग्रुप में, भारत का जो नाम रोशन किया है, मैं इनके पिताजी को इतना संघर्ष में जीवन रहते हुए भी बच्चे को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, शहर के तमाम लोगों को, खासकर DM साहब ने इनका बड़ा सहयोग किया है। हमें सेंचुरी क्लब का भी धन्यवाद दूंगा कि जब इन्होंने पहले 1600 फीट ऊँचाई पर चढ़ कर आए थे तो सम्मानित किया था। और इस समय जिला अधिकारी, अमर उजाला फाउंडेशन और तमाम लोग जिन्होंने सहयोग किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आगे का इसका जो मिशन है उसमें भी ये कामयाबी हासिल करे और तन मन धन से सब लोग इसका सहयोग करें ताकि ये देश का नाम पूरे विश्व में परचम लहरा सके। धन्यवाद। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार बेगमपुरा एक्सप्रेस में कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे उपस्थित जनसमूह मनोज के फूल मालाओं से लाद दिया। तत्पश्चात उनके जुलूस के साथ चांदपुर चौराहे तक ढोल नगाड़ों के साथ आए
चांदपुर चौराहा स्थित रामलीला मैदान में सम्मान जिसमें उपस्थित पर्वतरोही मनोज को वाराणसी का गौरव बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त किया गया। स्वागत व सम्मान समारोह में प्रमुख रूप से पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय यादव और कई गणमान्य लोग शामिल रहे। मनोज यादव का अगला सपना विश्व की सबसे ऊंची कहे जाने वाली माउंट एवरेस्ट पर देश का तिरंगा फहराने का सपना है। मनोज यादव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हूं। अगर प्रधानमंत्री या सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मेरा सहयोग करते हैं तो मैं माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए तैयार हूं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए बहुत सारे खर्च होते हैं जिनको वाहन करना मेरे बस की बात नहीं है, बस थोड़ी कमी है पर हौसला बुलंद है। तो चलिए इसी के साथ ये प्रस्तुति यही समाप्त करते हैं, पर भूलिएगा नहीं फास्टनेस इंडिया की कोई भी प्रस्तुति को लाइक या सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।